हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं एक शार्क टैंक प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि है वीएस मनी। आपने देखा होगा वीएस मनी की कॉफ़ीज आती है, वीएस मनी एंड कंपनी की कॉफ़ीज आती हैं, जो डिकॉक्शन आती है और कॉफ़ी के पाउडर्स आते हैं, उन्हीं का जो शार्क टैंक में आए थे, जिन्हें डील मिली थी, उन्हीं का हम जो लेटेस्ट लेकर आए हैं वो है मैसूर पाक। इसके पर लिखा हुआ है घी मैसूर पाक वीएस मनी एंड कंपनी। और इनकी कॉफ़ी ट्राई की है हमने, बहुत अच्छी होती है। इनके स्नैक्स बहुत अच्छे होते हैं, डिफरेंट तरह के केले के चिप्स आते हैं, जिसका आप रिव्यू देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हमने डिफरेंट केले के चिप्स जो वीएस मनी कहते हैं उसका रिव्यू किया हुआ है। प्लस इनके अदर स्नैक्स आते हैं, जैसे मुरक्को हो गया, चिक्की हो गई, उनका भी हम एक कंसोलिडेट रिव्यू शेयर करने वाले हैं बहुत जल्दी। और कॉफ़ी तो इनकी है ही बहुत अच्छी, लाजवाब। और ये रिसेंट, जैसे मैंने बताया कि मैसूर पाक लेकर आए हैं अपने एडिशन में प्रोडक्ट्स का, एक और रेंज बढ़ाई है इन्होंने, और महीना ही हुआ है इसको आए को, और ये आता है 210, इसके पीछे लिखा हुआ 210 रुपए का। पर ये उनकी साइट पर मेरे को 185 का मिला था, वीएस मनी एंड कंपनी की साइट पर उनकी कोई स्कीम चल रही थी तो 185 का मिला था। और ये है, और छोटा पैकेट है, बड़ा पैकेट शायद ये लेकर आए। और मैसूर पाक आपको जैसे पता है कि साउथ इंडिया की बहुत फेमस डेलिकेसी स्वीट है, और मैसूर रीजन में, कर्नाटका रीजन में बहुत फेमस है। बैंगलोर का भी मैसूर पाक बहुत स्वाद होता है, और मैसूर का भी मैसूर पाक बहुत टेस्टी होता है। तो ये लिखा हुआ घी मैसूर पाक। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी मैसूर पाक कैसा डिस्कवर हुआ है, तो हमारा एक हल्दीराम का, पहले भी मैसूर पाक हमने किया हुआ हल्दीराम का और लाल के मैसूर पाक, उनके अंदर हमने हिस्ट्री भी बताई हुई है। तो इसके अंदर ये कैलोरीज कितनी है पर 100 ग्राम में, इसके अंदर 640 कैलोरीज हैं, और फैट कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर है टोटल फैट कितना है इसके अंदर 45.08 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स के, मैं बता रहा हूँ। और कंटेन्स मिल्क, जिनको मिल्क की एलर्जी है, एलर्जन इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, मिल्क ना ले। और बेस्ट बिफोर है तीन महीने फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और वेजिटेरियन है, आप देख सकते हैं। वीएस मनी के और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको खोल के देखते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है नया मैसूर पाक इनका। कुछ ऐसा है पैकेट, छोटा पैकेट है काफी। अब फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो आप लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं मंगवा के इनको, और फेस्टिवल्स। चलिए इसको खोल के देखते हैं। ऐसे एक डब्बा में पैकिंग आती है, ये ऊपर एक पॉलीथीन की शीट से पैक्ड है। इसको खोलते हैं और खा के देखते हैं कैसा है, टेस्ट करके देखते हैं। मेरे को इससे पहले लाल और हल्दीराम्स के हमने किए हुए हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, और लाल का मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हल्दीराम का बहुत यूनिक टेस्ट होता है, हल्दीराम के मैसूर पाक का, तो वो बहुत टेस्टी होता है। अरे ये खुलता क्यों नहीं, ये देखिए मैंने खोल दिया। ये स्मेल तो अच्छी आ रही है, मिल्क की स्मेल आ रही है, मिल्क से बना हुआ। वैसे मैसूर पाक बेसन का बना होता है, मिल्क इसमें ऐड किया हुआ है। माउथ में मेल्ट हो जाना चाहिए जो क्वालिटी होती है मैसूर पाक की। देसी घी की स्मेल आ रही है इसमें, देखिए देसी घी का फ्लेवर आ रहा है राइस फूड से। और नाइस, डिफरेंट टेस्ट फ्रॉम द लाल एंड हल्दीराम का, क्वाइट नाइस, अच्छा है। और ये देखिए ऐसे टुकड़ियाँ होती हैं अंदर, एक पैकेट में कई लोग पूछते कितनी टुकड़ी होती है, भाई वो तो वेट के हिसाब से होता है। मेरे भी मैं बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 टुकड़ियाँ हैं इसके अंदर। तो मेरे को तो अच्छा लगा है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, लोगों को गिफ्ट कीजिए। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने नया आया था इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर किया जाए। और एक हम और लेकर आएंगे मैसूर पाक का रिव्यू, जिसके अंदर 8-10 ब्रांड के एक साथ कंपैरिजन करेंगे, उसमें ये भी होगा कैसा है। तो चलिए, आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, अगर यदि अच्छा लगा हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।